नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। हमीरपुर में पंचायत चुनाव में प्रचारक लॉकडाउन की जमकर उड़ा रहे धज्जियां। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से वीकेंड लॉकडाउन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पंचायत चुनाव में प्रचारक लॉकडाउन व कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला हमीरपुर जिले के कुनेटा वार्ड नंबर 9 जिला पंचायत क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहां से उम्मीदवार माया दीक्षित के समर्थक व प्रचारक लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आए। बड़ी बात तो यह है कि प्रत्याशी माया दीक्षित के पुत्र संजय दीक्षित भी इन लोगों के साथ थे। आलम यह है कि इनके ऊपर राजनीति इतनी हावी है कि इनको न तो खुद की जान की परवाह है और न ही क्षेत्र के मतदाताओं की जान की। लॉकडाउन के दौरान चुनाव प्रचार में आज सोशल डिस्टेंसिंग के खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। इसके पहले भी इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें संजय दीक्षित करीब एक सैकड़ा अपने समर्थकों के साथ ग्राम इमलिया में घूमते हुए नजर आए थे। वहीं जब आज हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बनानी चाहिए, तो झट से गाड़ी में बैठकर भाग खड़े हुए, साथ ही मीडिया के सवालों से बचते हुए भी नजर आए। मामला उमरी गांव का है, जहां संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद प्रत्याशी माया दीक्षित के पुत्र संजय दीक्षित एक साथ चार गाड़ियों में अपने समर्थकों के साथ घूमते हुए नजर आए। पहले भी कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने का वीडियो इनका वायरल हुआ था और आज भी वीडियो वायरल हुआ है। देखना यह होगा कि हमीरपुर प्रशासन व चुनाव आयोग इन पर क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।